आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं मैक्स इफ से। तो हमने आपको सम इफ के बारे में बताया, हमने आपको काउंट इफ, एवरेज इफ, इस सब के बारे में बताया। अब बात करते हैं मैक्स इफ की। उससे पहले मैक्स को जानिए कि मैक्स क्या होता है, मतलब कि इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम लेते हैं। और यहाँ पे एक मैक्स ए भी होता है, मैक्स ऑल। अब मैक्स ऑल क्या होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, निकालना तो मैक्सिमम ही है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अगर नंबर आपका परसेंटेज में या फिर डेसिमल में हुआ तो इसका ख्याल रखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने दिया, ये हमारा डेसिमल से मान लीजिए। अब मैं इसमें अगर मैक्स देता हूँ तो ये आपका मैक्सिमम नंबर देता है कि जो हाईएस्ट नंबर कौन सा है। एक काम करता हूँ, इसको परसेंटेज ले लेता हूँ। और यहाँ भी परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा है, ये आपका निकल के आ गया। इसके बीच में कहीं मैं ट्रू लिख दूं तो आपके परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूं, बाबा चेंज होते रहेगा। हाँ, कोई परसेंटेज में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यही मैं अगर मैं मैक्स ए निकाल लगा दूं तो मैक्स ए में फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसको मैक्स लगाता हूं तो मैक्स पे देखिए वन आया, मतलब कि 100%। क्यों? क्योंकि ट्रू है। तो एक्सेल में ट्रू जो है, एक्सेल में आपका ट्रू जो है वो होता है 100%। मतलब ट्रू को वन मानता है 100%, राइट। इसलिए यहां पे ऐसा है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला मिनिमम का होता है। मिन, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसमें भी आपका फॉल्स अगर हम डालते हैं तो फॉल्स को कंसीडर, फॉल्स को कंसीडर नहीं करता। लेकिन इसी में अगर हम मिन ए निकाल दो ये आपका जीरो देता है, क्योंकि एक्सेल में वन इक्वल टू ट्रू एंड जीरो इक्वल टू फॉल्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कि लेन निकालना है पूजा का मैक्सिमम नंबर, सम निकालने के लिए सम इफ निकाल लेंगे। लेकिन मुझे यहां पे मैक्सिमम नंबर निकालना है कि इसकी मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मैक्स का, मैक्स इफ। यहां पे आपको दिख रहा होगा मैक्स इफ, मैक्स इफ्स को लूंगा। मैक्स रेंज हमने सेलेक्ट किया ए, क्राइटेरिया रेंज ए, और क्राइटेरिया ए आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बट ये फॉर्मूला 2019 में आपको मिलेगा, मैक्स इफ का फॉर्मूला, राइट। तो मैक्सिमम के बारे में समझ में आ गया। अब मैक्स का फॉर्मूला निकाला तो मैक्स निकाल दिया, लेकिन मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सिक्वेंस की, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इस तरह से चाहिए, तो यहां पे हमारे पास लार्ज का फॉर्मूला है, हमारे पास लार्ज का फॉर्मूला है। हम यहां लगाएंगे, इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया लार्ज। सॉरी, हमने उल्टा कर दिया सर, लार्ज और हमने डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, हमने इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया। ये आ गया सबसे हाईएस्ट वैल्यू। अगर रिपीट है तो रिपीट ही आएगा।
तो पहला मैक्स, दूसरा मैक्स, तीसरा मैक्स, चौथा मैक्स, पांचवा मैक्स, ऐसे सीक्वेंस वाइज आ जाता है। अगर आपको छोटा चाहिए तो यहाँ पे स्मॉल का फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो ये आप देखिए 8 आ जाता है, 7 कर दूँ तो 7 आ जाएगा, ये सीक्वेंस है। तो लार्ज क्या होता है, किसी नंबर में से हाईएस्ट लार्ज नंबर के हिसाब से ले सकते हो। मैक्स तो मैक्सिमम तो ऑलरेडी एक ही देगा, लेकिन मुझे अलग अलग देने हैं उस केस में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैक्स हो गया हमारा और ये हमारा स्मॉल हो गया। कोई डाउट इसमें आपको? इसमें एक रैंक भी आता है, जैसे मुझे अगर 65 का रैंक चाहिए, मतलब कि इस सीक्वेंस में 65 का क्या रैंक होगा, क्या सीरियल नंबर होगा, तो आपके पास रैंक का फॉर्मूला होता है। रैंक रैंक एवरेज एक इक्विवेलेंट एवरेज लेता हूं यहां पे, या रैंक ले लीजिए, या अलग दो अलग अलग एवरेज इसके अलग अलग बना दिया है। तो नंबर कौन सा चाहिए हमें? ए चाहिए। रेफरेंस इसमें चाहिए। ऑर्डर असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग, मतलब कि घटते क्रम में चाहिए या बढ़ते क्रम में चाहिए, वो आप सिलेक्ट करें। ये बता देगा कि 93 पोजीशन है, अगर मैं यहाँ पे 93 डालता हूँ तो यहाँ आपको 65 आ जाएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो फिर यहाँ यहाँ पर आएगा। तो रैंक का यूज हम लोग करते हैं। रैंक समझ में आ गया। अब इसमें कुछ और भी फॉर्मूले हैं, स्टैटिक फॉर्मूले हैं, लेकिन उसका यूज हर जगह पर हम लोग नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि इसकी इसके बैकग्राउंड में आपका ये इसका ये पता होना चाहिए कि इसका मैथमेटिक्स कंडीशंस क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिक्स है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फोरकास्ट, चलिए मैं आपको फोरकास्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास मंथ है, इन द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का मुझे लिख दिया यहाँ पे। ये सेल्स की कैटेगरीज है, अब मुझे 8वें महीने का सेल क्या होगा ये फोरकास्ट करना है। तो ये आपका फोरकास्ट का आगे फोरकास्ट मेथड, टारगेट डेटा, इसको सही से देखना है तो पहले इस पे आ जाइए, इस हेल्प इस फंक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो पता चल जाएगा। टारगेट डेट हमारा ए रहा, वैल्यूज हमारी ए रही, टाइमलाइन हमारा ए रहा। ये आपका निकल गया। इसी में एक आपका होता है फोरकास्ट कॉन्फिडेंट, फोरकास्ट एस्टिमेटेड कॉन्फिडेंट आपका आता है। इसमें टारगेट डेट हमारा हो गया 8वां महीना देखना है, उसके बाद वैल्यूज हमारी ए हो गई और टाइम लाइन हमारा ए हो गया। ये आपका 25 आया। और फिर यहां पे आपके सामने आपको फोरकास्ट या सीजनलिटी दे करते हैं, तो इसमें हमारा वैल्यू हो गया। ये क्या बोलते हैं, इसमें आपको वैल्यू देना होता है पहले कि वैल्यू ये रहा हमारा, टाइमलाइन हमारा ये रहा, सीजन के आपका दूसरा नंबर सीजन दिखा रहा है, दूसरे नंबर सीजन के अकॉर्डिंग होगा। इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं कभी इस तरह के फंक्शंस को हमेशा यूज किया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं पहले बता दिया क्योंकि इस तरह के फंक्शन बहुत कम यूज होता है। इसकी हेल्प में जाएंगे तो इसका आपको फाइल दिख जाएगा। हालांकि ये अगर आप क्या बोलूँ,
कहीं ऐसा तो नहीं 10th क्लास में तो साइन थीटा वगैरह पढ़े आज तक यूज नहीं हुआ? वही है। हाँ बट इंटरव्यू में पूछ देगा तो फंस जाएंगे। हाँ हाँ ये रहा आपका फोरकास्ट का, फोरकास्ट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल टाइम लाइन। ये आपका फोरकास्ट का फॉर्मूला है, तीन अलग अलग फॉर्मूला है फोरकास्ट का, दिख रहा है कि यहाँ ये स्टोरी है कि इन्होंने जैसे कि ये वो जैन से लेके एयरपोर्ट पैसेंजर कितना है उसका इन्होंने एक डेटा दे दिया, और फिर इन्होंने ये निकाल लिया कि सितंबर 13 से लेके सितंबर 15 तक का कितने आ सकते हैं। तो ये आपका फोरकास्ट का फॉर्मूला लगा हुआ आपके सामने दिखा। ये आपका फोरकास्ट एस्टिमेटेड है, स्टेटमेंट इतना होना चाहिए। ये आपका फोरकास्ट एस्टिमेटेड कॉन्फिडेंट है, इसमें इन्होंने इसको प्लस किया हुआ है, ये प्लस हो जाता है इसमें। हालांकि इसको आप इससे भी निकाल सकते हैं, आपके पास एक का होता है फोरकास्टिंग करने के लिए आपके सामने होम पे नहीं इंसर्ट में। हमारे पास फोरकास्ट शीट होता है, सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे फोरकास्ट एंड 11 तक कब तक करना है पॉइंट, मतलब मंथ वो पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए और आप ये चार्ट फॉर्मेट में आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए 11 के जगह पे ज़्यादा भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप। यहाँ ये आपका सेल्स हो गया और ये आपका ए से ए फोरकास्ट आ गया एस्टिमेटेड, ये आपका आ गया लोअर कॉन्फिडेंट, ये आपका अपर कॉन्फिडेंट, मतलब कि 52 सेल है, ये 52 52 इन्होंने लिख दिया हुआ है और 8वें महीने में इसकी सेल जो है वो 15 हो सकती है एस्टिमेटेड, लोअर -10 ज़्यादा से जा सकती है और हायर यहाँ पे 40 जा सकती है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ भी दिखाया गया है कि 36 90 मंथ में लोअर 11 और हायर 62 हो सकती है। तो इसमें इसकी रिकॉर्ड लगाते हुए इसका जो ये होता है ग्रोथ होता है, ग्रोथ को देखते हुए इसे यहाँ पे लेता है, इसके पीछे एक अपना इसका ये मैकेनिज्म काम करता है। हमें दिस पे इसमें नहीं दिखा रहा है, 2016 के हेल्थ में पूरा दिखा जाता है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है, कि आपका कैलकुलेशन क्या कर रहा है। ठीक है सर, तो फोरकास्ट को होता है सर। हालांकि इसका यूज जो है प्रोडक्शन वगैरह में होता है, जहां अनुमान लगाया जा सकता है कितनी प्रोडक्शन करे, लेकिन इन इस तरह के डेटा पे बात है ना कि हर कंपनीज का एक अपना कैलकुलेशन होता है, हम ऐसे इसकी ग्रोथ नहीं लगा सकते। अब ग्रोथ क्यों ऐसा नहीं हो सकता बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो YouTube पे देखेंगे वीडियो सोचेंगे कि मुझे फोरकास्ट नहीं आता है या इसका यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका रीजन है। अब ऐसे फोरकास्ट नहीं लगा सकता मैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ कि हर महीने कितने स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, ये डेटा से डिपेंड नहीं करता, इसके साथ हमारा मार्केट स्टडी भी होना चाहिए। हमें पता है कि मार्च महीने में अप्रेजल होता है, जून में एट्रिशन होती है, तो एट्रिशन के समय जो है जॉब्स बहुत लोग चेंज करते हैं, तो जॉब चेंज करते समय इंटरव्यू में वो एक्सेल की ट्रेनिंग लेंगे तो उससे मुझे ज़्यादा कॉल्स आते हैं, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है ना सर। कैसे करना पड़ता है उसी चीज़ है। मान लीजिए कि अब दशहरा चल रहे हैं तो मुझे पता है कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो भी वेस्ट बंगाल के आसपास है वहाँ पे मेरी क्लासेस नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि सब लोग छुट्टी पे गाँव गए होंगे, राइट। दूसरी चीज़ दीपावली आती है, दीपावली पे दीपावली के आसपास हमारी क्लासेस नहीं हो पाएगी क्योंकि हर कोई अपना पैसा घर की डोनेशंस में या फिर हॉलीडे पे या फिर शॉपिंग पे और बहुत सी चीज़ों पे खर्च कर लेते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के तरफ उतना ध्यान नहीं होता है, ये फैक्टर है हमारा।
दूसरी चीज हमारा जो आउटसाइड का मार्केट है, यूएसए का मार्केट है, वो दिसंबर में उसकी सेल्स कम आती है, दिसंबर में कम आएगी वहां से, क्योंकि हर लोग वहां पे वेकेशन प्लान करके बाहर जाएंगे महीने, एक महीने के लिए। तो हर मार्केट के लिए अलग अलग उसका रिसर्च होता है, ठीक है ना। अब एक मोमबत्ती कंपनी ले लीजिए, उसकी सेल्स जो है अक्टूबर नवंबर में बढ़ जाती है, इसका मतलब थोड़ी अक्टूबर नवंबर का सेल्स को लेते हुए दिसंबर का सेल फाइनल कर देगा वो, क्योंकि वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसका सीजन था, समझ गए। अभी जैसे अभी देख लीजिए कि अभी आज के डेट में देख ले ग्रोसरी का सेल सबसे ज्यादा है, तो फैक्टर लॉकडाउन, तो इस ग्रोसरी के सेल्स को कंसीडर करते हुए थोड़ी ज्यादा होता है कि आफ्टर लॉकडाउन ग्रोसरी सेल सेम रहेगी। और जैसे ग्रो अभी देख लीजिए कि पिछले हमारे 1.5 महीने से हमारा वाइन शॉप बंद था, तो सेल खत्म था, अब अचानक से वाइन शॉप खुला है, सड़कों पर भीड़ लग गई है, सेल डबल ट्रिपल हो गया, और भैया ये सेल कंटिन्यू थोड़ी रहेगी, ये हफ्ते दो हफ्ते महीना दिन चलेगी, उसके बाद फिर लोग नॉर्मल वे पे आ जाएंगे। तो सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, मार्केट स्टडी भी करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। उसके बाद करते हैं, ये फॉर्मूला ये नहीं बताएगा, ये फॉर्मूला इसका ग्रोथ रेट बताता है, बस ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ही कंसिडर कर देता है। लेकिन ये 25 सेल क्यों हुआ है, 96 सेल क्यों हुआ, इसका जो रीजन है, इस रीजन को कंसिडर नहीं करता है सर, इसलिए इसका यूज बहुत ही कम कंपनीज करती है, समझ गए। सिर्फ ग्रोथ को देखते हुए आपको करना है, तो आप यहां पे फोरकास्ट एस्टिमेटेड लगा सकते हैं, फोरकास्ट यहां पे एस्टिमेटेड और कॉन्फ्लिक्ट लगा सकते हैं, जो कि माइनस होगा आपके एस्टिमेटेड से, या इससे माइनस होगा C19 से। दूसरा आपका ये आपका फोरकास्ट कॉन्फिडेंट लगाता है, आप एस्टिमेटेड कॉन्फिडेंट है आपका, यहाँ पे ये आपका लोअर आ जाता है, ये आपका अपर आ जाता है, ये कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, तो ये आपका आता है, एस्टिमेटेड का प्लान होता है फोरकास्टिंग के लिए यहाँ पे है। और ये फॉर्मूला कोई खास नहीं है, आप बस उसके दे दीजिए अपने अंदर जो आप उसके पास जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आपको दे देगा, ठीक है, फोरकास्ट का। इसी तरह से एक हमारा यील्ड का फॉर्मूला आता है, बहुत सारे लोग यील्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं, एक बार देखते हैं यील्ड का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूले मैं भी खुद बहुत कम यूज करता हूँ, बहुत कम पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे भी उतने बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि तो हम क्या करते हैं कि अपने हिसाब से वीवी यूज करते हैं, और वीवी यूज करके अपने हिसाब से फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं, समझे। हाँ, इल्ड का फॉर्मूला, इल्ड का फॉर्मूला यूज होता है आपका फाइनेंशियल मेथड में यूज होता है, फाइनेंशियल मेथड में यूज होता है कि इल्ड का। रिटर्न द इल्ड ऑफ सिक्योरिटी दैट पे पीरियड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द इल्ड बॉन्ड ईयर, ये आपका आता है कि आपने पहला दूसरा, ये आपका मैंने कहा गया बेटा यहाँ पे, हाँ इस मेथड को फॉलो कर, दिख रहा है सर आपको। अब मुझे यील्ड का फॉर्मूला पढ़ाने के लिए ये पूरा मेथड समझाना पड़ेगा ना, क्या लगता है नवीन जी, नवीन सिन्हा जी, अगर मैं इस मैथमेटिक्स को पढ़ाने बैठ जाऊं तो मेरे क्लास में कितने लोग टिकेंगे सर, मेरा तो दिमाग आउट हो जाएगा। इसलिए ऐसे फॉर्मूले को हम छोड़ देते हैं। हाँ, लगाने का तरीका है, आप यहाँ दिखा हुआ है कि आप से, आपका सेटलमेंट डेट कौन सा है, मेच्योरिटी डेट कौन सा है, परसेंटेज के ऊपर कितना है, प्राइस क्या था, रिमिनल वैल्यू कितनी है, फ्रिक्वेंसी क्या है, सीजनल मतलब कि ईयर में दो बार है, एक बार है, साल को 360 या 365 लेते हैं, ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका रिटर्न 6.5 आएगा। ये सर ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ये फॉर्मूला यूज होगा, आई डोंट थिंक। सर कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉर्मूला यूज होता है जब हम प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं, चाहे कोई कोई चीज हम पहले ही फोरकास्ट करते हैं वहां पे, लेकिन कंपनीज के पास, हाँ फोरकास्ट हम लोग का प्रोजेक्ट में यूज होता है, बट जो AMIS टीम का है वो लोग करता है कि हाँ तो बोला ना फोरकास्ट, जिस यहाँ पे सिर्फ फोरकास्ट, इस फोरकास्ट से काम नहीं आता, क्योंकि हर लोगों का फोरकास्ट के कल कई अलग अलग फैक्टर होते हैं ना, उन फैक्टर को भी लेना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का लास्ट ईयर का जो देख के उसी का अकॉर्डिंगली फोरकास्ट होता है, ईयर वाइज होता है, हाँ नॉट मंथ वाइज, ठीक है। तो उसका फोरकास्टिंग का अलग है, वो जो टीम होती है कॉस्टिंग टीम होती है, उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ता है, उसमें पूरा बताया जाता है। ओके
कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट का। याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कॉस्टिंग का एक प्रोजेक्ट डाला था, बताया था, उसमें देखा था ना कि एक लेबर को कितना कॉस्ट लगता है, लेबर कॉस्ट क्या है, पावर जी हाँ कॉस्ट जी क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, तो कई हाँ सेक्टर देख के फिर कॉस्ट निकालना पड़ा। रेंट कितना, तो बहुत सारी चीजें नहीं कराई गई थी आपको, बाद में उसको सही किया था। रेंट कितना है, बिजली का कॉस्ट कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हुआ, जिस गोडाउन में रहा उसके भाड़ा कितना लगा, जिस सेल्स ऑफिसर ने बेचा उसकी सैलरी, सब उसके ऊपर कंसिडर होकर देन प्रोडक्ट की एमआरपी निकलती है। एक प्रोडक्ट की एमआरपी निकालने के लिए तकरीबन 88 तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ती है सर, 88 कैलकुलेशन कम से कम, तब जाके एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलता है, एग्जैक्ट कॉस्ट। और इस तरह की कॉस्टिंग जो है बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, छोटी मोटी कंपनी नहीं करती। वो तो देखते हैं, अच्छा मैंने 10,000 का माल लाया, मुझे सब कर लेके 15,000 खर्चा हुआ, मुझे इसको 20,000 बेचना है, बस उसी हिसाब से रेट निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ वो तो वो कंपनी करेगी ना जब जिसके पास एक कोई एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके पास कई सारे प्रोडक्ट है, उसी फैक्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां पे जरूरत पड़ती है इस तरह की कैलकुलेशन। ओके, फिर भी मैं आपको बोलूंगा ये फॉर्मूले को आप लोग इस सारे फॉर्मूले को एक बार देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई लगा फॉर्मूला जो कि आपके काम का है। इंजीनियरिंग कोई, मैं ये तीन कैटेगरी छोड़ रहा हूँ, स्टैटिकल, इंजीनियरिंग एंड क्विव, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपकी जरूरत का है, आप इसमें ज्यादा जानना चाहते हैं, मुझे उसका लिस्ट दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, राइट, समझ गए। ओके उसके बाद एक कैपेबिलिटी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में भी आपको खास नहीं, लेकिन कुछ फॉर्मूले से रैंक मैंने आपको करा दिया है। इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि आगे हम कराएंगे आपको, किसके साथ, एरे के साथ। इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो कि एरे के सपोर्ट करता है, फ्लोर मैंने आपको करा ही दिया था, कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो कि है यहाँ पे, फ्लोर कराया था ना आपको सर, सेलिंग करा दिया था, फ्लोर करा दिया था, एक कॉम्पिटेटिव फॉर्मूले हैं ये बताते हैं। और वेब फॉर्मूले ये तो जस्ट नॉर्मल, इस कुछ है नहीं, वेबसाइट पर यूआरएल पर टेस्ट करके बताता है क्या है। तो आपका जो रह गया है इंफॉर्मेशन कैटेगरी रह गई है, और दूसरा आपकी रह गई है फाइनेंशियल कैटेगरी, राइट, दो कैटेगरी रह गई है। इंफॉर्मेशन कैटेगरी के फॉर्मूला में कोई खास दम नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो कि जरूरत पड़ती है, जिसको हम आपको कल समझाएंगे। इसको तो कल की डेट में हम आपको बताएंगे इंफॉर्मेशन फॉर्मूले एंड फाइनेंशियल फॉर्मूले। मैं भी बता देता हूँ कि फाइनेंशियल फॉर्मूले भी बहुत सारे फॉर्मूले में नहीं कराऊंगा, रीजन है इसकी मैथमेटिक्स जो कि आप सब नहीं समझ पाएंगे। फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को जो फॉर्मूला आपको सीखना है उसके लिस्ट दे दीजिएगा, हम आपको सिखा देंगे अलग से, राइट। तो फॉर्मूले के ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने लॉजिकल फॉर्मूला पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, टैक्स को पूरी तरह से कंप्लीट किया, डेट एंड टाइम को कंप्लीट किया, लुक एंड फ्रेंड से कंप्लीट किया, मैथमेटिक्स को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, लेकिन कुछ ऐसे जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जो है इस चीज हमने छोड़ दिया था, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें जो फॉर्मूले हमें जरूरत थी हमने वो सारे फॉर्मूले डिटेल के साथ आपको कराए थे। उसके बाद इसमें आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला पूरा ए टू जेड मैं कराऊंगा, लेकिन स्टैटिकल के कुछ फॉर्मूले कराए, जैसे एवरेज के फॉर्मूले करा दिए, काउंट के करा दिए, लार्ज स्मॉल ऐसे फॉर्मूले हमने करा दिए। जो कैपेबिलिटी फॉर्मूले मिक्सअप है, सारे फॉर्मूले का मिक्सअप है, तो आपकी अब एक या दो क्लास और फॉर्मूले की कैटेगरी पर रह गई है। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस फॉर्मूले की। अब एडवांस फॉर्मूले क्या होता है? एडवांस फॉर्मूले मतलब कि ऐसा फॉर्मूला जिसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला है ही नहीं, कई सारे त्रिकरण करके हम फॉर्मूला बनाएंगे, वो एडवांस फॉर्मूला कहलाता है, राइट। ओके हाँ, ये एडवांस फॉर्मूला हम आपके साथ बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तरीका एक एक बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग इसका यूज करते थे, जैसे कि ए कॉमा दो चीजें इसमें चाहिए। एक क्या होता है, एयरलाइंस होता है,
जैसे अमेरिकन एयरलाइंस हो गया, मतलब हमें इसमें जब ट्रेवल कंपनी में काम करता था एयरपोर्ट में, तो इसकी जरूरत पड़ती थी, हमें चेक करना होता था कि किसने सेम फ्लाइट यूज किया। क्या होता था कि इनकी जो इनके जो ये होते थे, जो वेंडर होते थे या एजेंट होते थे जो टिकट बुक करते थे, उनकी कैलकुलेशन दो तरह से होती थी। अगर किसी ने सेम एयरलाइंस में, क्या होता है कि टिकट जो होता है एक ही नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर पुणे से मियामी जाना है या शिकागो जाना है, तो पुणे से शिकागो की डायरेक्ट फ्लाइट होना पॉसिबिलिटी नहीं है, होगा तो खाली नहीं होगा, तो आपको क्या करते हैं वो टूर कर देते हैं, जिसकी पुणे से मुंबई लाएंगे, मुंबई से फिर आपको वाशिंगटन ले जाएंगे, वहाँ से हो सकता था फ्लोरिडा ले जाए, फ्लोरिडा से फिर आपको जो है शिकागो या मियामी जहाँ में ले जाना ले सकते। तीन चार फ्लाइट यूज की है। अब तीन चार फ्लाइट जो यूज की है सेम कंपनी की फ्लाइट उनको हो या गारंटी नहीं है, अलग कंपनी हो सकती है। उनका यह था कि अगर सेम कंपनी का अगर आप करते हो तो उसका कैलकुलेशन रेट अलग है, अलग अलग करते हो तो इसकी कैलकुलेशन अलग है। तो उनको छांटना होता था, फिल्टर करना होता था, क्योंकि जो अगर सेम एयरलाइंस है तो हम क्या करते थे उसकी कैलकुलेशन कोई और टीम करती थी, उनको भेज देते थे, और डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस यूज की गई है उसके लिए हम किसी और कंपनी को यूज करते रहता था। दूसरी चीज, अगर तीन से ज्यादा एयरलाइंस यूज किया है तो तीसरी टीम इसको कैलकुलेट करेगी। तो डेटा, मैं डेटाबेस में था तो मुझे भेजना था। सबसे पहले कितने एयरलाइंस है एक काउंट कैसे करेंगे, मतलब मुझे इसमें कॉमा काउंट करना है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। उसी तरह से क्या है सेम एयरलाइन से एक कैसे पता चलेगा, चलिए दो एग्जांपल बताते हैं आपका। मैं पहले कॉमा कैसे काउंट करेगा, तो याद होगा मैं बताया था आपको चीजें, मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लेन, इसको सिलेक्ट करूंगा माइनस सब्स्टिट्यूट, यहां वापस लेन, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट में हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा को हम ब्लैंक कर देंगे, तो जाएगा फोर एयरलाइंस है, फोर नहीं फाइव है ना सर, 1 2 3 4 5, हाँ एक प्लस होता है क्योंकि कॉमा है तो काउंट हुआ ना, तो प्लस वन कर देंगे, ये फाइव एयरलाइंस होता है, समझे। हेलो, उसके बाद दूसरा आता है कि क्या सेम एयरलाइंस यूज हुआ है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला फाइंड का, और इसमें से कॉमा को इसके अंदर फाइंड करेंगे और फिर इसको देंगे लेन फॉर्मूला में, लेन इसको सेलेक्ट करेंगे, लेन लेफ्ट में, लेफ्ट फॉर्मूला में इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा माइनस वन कर देंगे, और फिर इसको हम देंगे वापस सर्च या फाइंड में, सर्च दे देता हूं कि मुझे इसको ढूंढना है इसके, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये निकल गया, इसमें से पहली एयरलाइन निकल गई हमें। अब मुझे क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट लगाना है, सब्स्टिट्यूट में हमने बोला कि इसके अंदर इस लेटर को इससे ब्लैंक कर दो, सिर्फ कॉमा आएगा, आया, फिर वापस मैं सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा और सब्स्टिट्यूट में बोलूंगा कि इसमें कॉमा को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो, कॉमा को ब्लैंक से, और फिर इसकी लेन लगाऊंगा मैं, अब मैं यहां पे अगर कोई अलग एयरलाइंस कर देता हूं, एफ कर देता हूं, तो फॉल्स हो जाएगा। अभी कैसे काम करना है मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, किनको समझ में नहीं आया सर, सर के ऊपर से निकल गया, सर के ऊपर से निकल गए, ये तो 10,000 मीटर से ऊपर चला गया सर, सही में एडवांस है। तो इसी तरह की ट्रिक की, मतलब कि ये मैंने बोला कोई अलग फॉर्मूला होगा,
इसी तरह की फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल को आपके साथ रखेंगे और आप कितना सीख पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास हजारों की संख्या में है तो मैं हजारों का आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है कैच करने की आप लोगों की ना इतना पेशेंस है आपके पास डाइजेस्ट नहीं होगा बट मैं इतना बता दूंगा कि कुछ सालों में खुद से प्रैक्टिस करके आप इस तरह के फॉर्मूले को लिखने और समझने के लिए एलिजिबल हो जाओगे खुद से। ठीक है तो चलिए इसको समझते हैं। हमें क्या करना है ये चेक करना है क्या ये सारे सेम एयरलाइंस है। तो सबसे पहले मैंने लगाया फाइंड का फॉर्मूला और बोला इसमें से कॉमा को अलग करो राइट इसने कॉमा को अलग करके दे दिया और हमने बोला कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि पहली जो एयरलाइंस है उसको अलग करना है हमने फाइंड की मदद से पहली एयरलाइंस को अलग कर लिया। ये समझ में आ गया आपको। अब बात यह है कि अगर सेम एयरलाइंस होगा तो जब मैं सब्स्टिट्यूट में बोलूंगा कि भाई इसमें जाओ और इस लेटर को ब्लैंक कर दो अगर सेम एयरलाइंस होगा तो जितने भी करेक्टर है सब के सब ब्लैंक हो जाएंगे। अगर एयरलाइन चेंज होता है पता है ना तो इसका मतलब है कि जो एयरलाइंस अलग है वो यहां पे आपको दिख जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं चला आपको जी सर। और फिर वापस मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा बोलूंगा भाई इसमें से कॉमा को भी तुम ब्लैंक कर दो मतलब कि डिलीट कर दो और फिर इसकी लेन लगाऊंगा मैं। अगर इसका लेन जीरो आता है सब कुछ डिलीट हो जाता है इसका मतलब है कि सेम एयरलाइंस है। अगर कुछ भी डिलीट नहीं मैं कुछ ऐसा रह जाता है कोई ऐसा है नंबर इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंट एयरलाइन भी जोड़ा गया है चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो समझे कि नहीं। आप समझ में आया कि नहीं सर। हाँ जी सर। हमने एक एयरलाइंस को अलग किया उससे मैंने बाकी जितने भी उस था उस एयरलाइंस को मैंने ब्लैंक मतलब डिलीट कर दिया और फिर हमने कॉमा को भी डिलीट कर दिया फिर उसकी काउंट निकाला लेन से। अगर काउंट आ रहा है कोई जीरो के अलावा इसका मतलब है कोई और एयरलाइंस है। अगर काउंट नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि एक डिफरेंस एयरलाइंस है। ठीक है लेकिन याद रखिएगा एक केस सेंसिटिव है क्योंकि हमने इसे फाइंड का यूज किया है। अगर केस सेंसिटिव नहीं रखना है तो आप यूज करेंगे सर्च। और समझे कि नहीं सर। और यहां पे तो हमने जस्ट क्या किया हुआ है कि हमने कंप्लीट लेंथ में से कॉमा को डिलीट करके उसको माइनस कर दिया। ये तो मैंने बताया भी था आपको फ्लाइट क्लासेस में एक याद होगा मैं टेक्स्ट फॉर्मूला में बताया था हमने आपको ये। तो इस तरह के हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो मैं है इनमें मन ग्रंथ नहीं है मैंने खुद से नहीं गए हुए ये मुझे मैंने खुद या मेरे किसी व्यूअर ने या मेरे कुछ किसी ट्रेनीज ने कभी ना कभी मुझसे पूछा हो। ठीक है बस मुझे यही सारी चीजें याद रहती है बाकी चीजें भूल जाता हूं यहां तक कि नाम तो भी भूल जाता हूं। ओके ठीक है सर तो मिलते हैं कल। ओके सर।